हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं और क्या क्या वो थ्योरीज थी और क्या क्या वो सिद्धांत थे और किसने उनका प्रतिपादन किया था और कैसे किया था और क्या उनकी एप्लीकेशंस हैं हमारे शिक्षा में। तो सबसे पहले जो सिद्धांत है थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, आपको ये टर्म याद रखने हैं कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो बिल्ली पे किया था। दूसरा था आपका पेवलोव का शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पे किया था। तीसरा था आपका स्किनर का सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, जो कि चूहे पे प्रयोग किया गया था। और चौथा है हमारा कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ये एक सुल्तान नाम के चिंपैंजी पे किया था। अब हम वन बाय वन इन चारों सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार से जो ये प्रतिपादक थे, ये मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या प्रयोग किया और क्या उनको एंड में रिजल्ट मिला और क्या फिर सिद्धांत निकला था। सबसे पहला है हमारा थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो इसके जो अन्य नाम है वो भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभार एग्जाम में प्रयास एवं त्रुटि के स्थान पे ये आ जाता है, उद्दीपन एवं अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद सिद्धांत तथा अधिगम का संबंध सिद्धांत। यही ये जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है इसके अन्य नाम है। और जो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था वो उन्होंने बिल्ली पे किया था। अब बात करते हैं कि थॉर्नडाइक ने ये प्रयोग बिल्ली पे किया तो उन्होंने क्या प्रयोग किया। सबसे पहले थॉर्नडाइक ने एक जो बिल्ली थी उसको, जो कि भूखी थी, उसको एक उन्होंने विशेष प्रकार के संदूक में रख दिया। ठीक है, अब इस संदूक का जो दरवाजा था वो एक चटकनी पे जब पैर रखते थे उससे खुलता था और सामने थॉर्नडाइक ने एक मछली का टुकड़ा या फिर मछली बांध दी जो कि बिल्ली को साफ दिखाई दे रही थी। अब जो ये मछली थी ये बिल्ली के लिए उद्दीपक का कार्य कर रही थी, यानी स्टिमुलस का कार्य कर रही थी। तो जब बिल्ली ने मछली देखी, ऊपर से बिल्ली भूखी थी, तो बिल्ली ने उछल कूद करना या फिर करना स्टार्ट कर दिया और लकीली बिल्ली का पैर था वो जो चटकनी थी उस पे पड़ गया और दरवाजा खुला और बिल्ली ने मछली खा ली। तो फिर से दोबारा जब थॉर्नडाइक ने ये प्रयास दोहराया तो फिर बिल्ली ने वही प्रक्रिया करी और फिर बिल्ली का पैर चटकनी पे पड़ा और संदूक खुला और बिल्ली ने मछली खा ली। तो जब थॉर्नडाइक ने ये प्रयोग बार बार दोहराया तो उसने देखा कि जो बिल्ली द्वारा किए गए प्रयास एवं जो भूल है उनकी संख्या में कमी होती गई। जो बिल्ली बार बार प्रयास कर रही थी एवं भूल कर रही थी उसकी संख्या में कमी होती गई। और उसके साथ साथ उन्होंने ये पाया कि जो बिल्ली गलत अनुक्रियाएं कर रही थी उनमें भी कमी होती गई और लास्ट में एट द एंड बिल्ली ने बिना किसी भूल के और बिना किसी त्रुटि के अपना संदूक था जो चटकनी थी उसमें पैर रखा और संदूक खोल लिया और मछली को प्राप्त कर लिया। अब इस प्रयोग के द्वारा थॉर्नडाइक ने अपना क्या सिद्धांत निकाला, उन्होंने जो सिद्धांत ये बिल्ली पे प्रयोग किया उसके बाद उन्होंने ये सिद्धांत निकाला कि सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां कर सकता है किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। जैसे कि देखा कि बिल्ली पहले गलती कर रही थी चटकनी ढूंढने में या उछल कूद में, तो वो गलती कर रही थी लेकिन जब उसने बार बार प्रयास किया एट द एंड उसे पता चल गया कि मुझे कहाँ पे पैर रखना है और कैसे इसकी चटकनी खुलेगी। और इस प्रक्रिया में उद्दीपक की भी प्रमुख भूमिका होती है, उद्दीपक व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पे उद्दीपक का कार्य किसने किया, मछली ने। तो सेम जो क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है व्यक्ति के जीवन में, उसमें भी उद्दीपक यानी स्टिमुलस की बहुत प्रमुख भूमिका होती है और उसी स्टिमुलस से जो मनुष्य की सीखने की जो क्रिया होती है उसको प्रेरित करता है और मनुष्य जो होता है या बालक जो होता है उसको जल्दी सीखने का प्रयास करता है। अब हम बात करते हैं जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है उसका शैक्षणिक महत्व क्या है, ये एप्लीकेशंस क्या है, क्यों हम ये बिल्ली और इन चीज़ों को अपने शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है पैडागॉजी में, हमको उसकी एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए। हमें जो क्वेश्चन बनता है मोस्टली एप्लीकेशन से ही बनता है कि कोई शिक्षक कक्षा में इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है तो वो किसके सिद्धांत को फॉलो कर रहा है, इस टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें इसके शैक्षणिक महत्व पता होने बहुत जरूरी है। अब इसका सबसे पहला शैक्षणिक महत्व है, शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा ही समझते हैं कि बालक विभिन्न कौशलों को सीखने की प्रक्रिया में गलतियां कर सकते हैं। अगर हमें क्वेश्चन आ गया कि कोई बच्चा बार बार गलतियां कर रहा है सीखने के लिए, तो शिक्षक
शिक्षक जो है वो किस सिद्धांत को फॉलो करके उसको आगे प्रेरित कर सकता है। तो आपको इसका आंसर क्या होगा, थॉर्नडाइक का त्रुटि एवं प्रयास का, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो इसी तरीके से हमको शैक्षणिक महत्व तो जानने जरूरी है। तो इसमें सबसे पहला शैक्षणिक महत्व है कि जब भी कोई बच्चा सीखने की प्रक्रिया कर रहा होता है तो उसमें वो बहुत सारी गलतियां भी कर सकता है। उसके बाद दूसरा है, इस सिद्धांत के आधार पर बालकों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने पर भी करने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, बालकों को सीखने के लिए अभिप्रेरित यानी उनको मोटिवेट करने पर जोर दिया जाता है। अब तीसरा है, इस सिद्धांत के आधार पर बार बार के अभ्यास से बालक की आदतों में सुधार किया जा सकता है एवं उसकी गलतियों को कम किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा कि बिल्ली ने जब बार बार प्रयास किया, अभ्यास किया, तो उसके लास्ट में जो गलती थी वो 0% हो गई। तो सेम इसी तरीके से हम बच्चे की गलतियों में या आदतों में अभ्यास करा करा के उसकी आदतों में सुधार कर सकते हैं और उसकी गलतियों को कम कर सकते हैं। अब फोर्थ जो पॉइंट है, यह सिद्धांत बताता है कि सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक है। ठीक है, सीखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम उस कार्य को बार बार दोहरा के करें तो जो उसकी गलतियां होती हैं वो लास्ट में बिल्कुल 0% हो जाती है और आदमी अपने जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें सक्सेस हो जाता है। अब दूसरा है पेवलोव का शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। इन्होंने जो प्रयोग किया था वो एक भूखे कुत्ते पर किया था। तो ठीक है, पेवलोव ने क्या किया, इस कुत्ते को मेज पर बांध दिया और जो उसकी लार थी उनको ऑपरेट कर दिया कि जैसे ही उसकी लार निकलेगी तो वो एक परख नली में उसे बंद कर लेंगे या फिर परख नली में उसको एकत्रित कर लेंगे। अब उन्होंने क्या करा कि एक उपकरण के माध्यम से कुत्ते के सामने वो खाना ले आते थे, लेकिन खाना लाने से पूर्व वो क्या करते थे कि उससे पहले एक घंटी बजती थी। तो जब पहले वो खाना लाए तो कुत्ते के मुंह से लार जो आना था वो तो स्वाभाविक था, तो उस फिर लार को उन्होंने परख नली में एकत्रित कर लिया। अब उसके बाद उन्होंने घंटी बजानी स्टार्ट करी और उसके बाद खाना आना स्टार्ट हुआ। तो कुत्ते लास्ट में क्या उन्होंने क्या पाया कि एक बार उन्होंने लास्ट में खाना नहीं आया लेकिन घंटी बजी और घंटी बजते ही कुत्ते के मुंह में लार आ गई और उन्होंने उसको एकत्रित कर। तो आखिरी चरण में जब उन्होंने देखा कि भोजन न देकर केवल घंटी की व्यवस्था की थी तब भी कुत्ते के मुंह से लार टपक रही है, जिसकी मात्रा जब उन्होंने नाप ली तो इस प्रयोग से उन्होंने क्या देखा, इस प्रयोग से उन्हें यह मिला कि जो भोजन सामग्री है जो कि प्राकृतिक उद्दीपक है लेकिन घंटी है कृत्रिम उद्दीपक। तो कृत्रिम उद्दीपक से भी कुत्ते ने लार टपकाने जैसी स्वाभाविक अभिक्रिया जो थी, उसकी अनुक्रिया थी, वो व्यक्त की। और कुत्ते ने लास्ट में यह सीखा, क्या सीखा, कि घंटी बजती है तभी खाना मिलता है। और इसी सीखने की इसी प्रक्रिया के प्रभाव के कारण घंटी बजने पे उसके लास्ट में लार निकलनी स्टार्ट हो गई थी। तो पेवलोव ने जब ये कुत्ते पे ये सब प्रयोग किया तो उन्होंने क्या सिद्धांत दिया, उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक, इसमें अस्वाभाविक उद्दीपक क्या था, घंटी था, ठीक है, भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो कि स्वाभाविक उद्दीपक देता है। और स्वाभाविक उद्दीपक क्या था, खाना। जैसे कि पहले उसके खाना देखने पर लार टपकी थी लेकिन बाद में उसे पता चल गया था कि घंटी बजने पर ही खाना आता है, तो उसकी लास्ट में खाना ना देने पर भी घंटी बजते ही उसकी लार निकल गई थी, लार टपक गई थी। और इस तरीके से उन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया। और जो पेवलोव के सिद्धांत का जो अन्य नाम है वो है अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत। ये भी आपको ध्यान रखना है, शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत का नाम, दूसरा नाम है अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत। अब फिर बात आती है एप्लीकेशंस की, शैक्षणिक महत्व की। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है इसकी पेवलोव के सिद्धांत की, वो है स्वभाव निर्माण, यानी ये जो वर्क करता है नेचर बिल्डर के रूप में। तो इस सिद्धांत के आधार पर हम कह सकते हैं कि बालक में भय, प्रेम, घृणा, जो भी ये सब भाव होते हैं ये आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं इस सिद्धांत के आधार पर। और दूसरा है अभिवृत्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड। इसी सिद्धांत के आधार पर बालक में विशेष प्रकार की अभिवृत्ति या विशेष प्रकार के एटीट्यूड का विकास हो सकता है। और तीसरा है इसमें मानसिक एवं संवेगात्मक अस्थिरता का उपचार, जो मानसिक और संवेगात्मक अस्थिरता होती है किसी बच्चे के अंदर, उसका उपचार भी हम पेवलोव के शास्त्रीय अनुबंध का जो सिद्धांत है उसके द्वारा हम कर सकते हैं।